हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रियल फैक्ट। आप सब ने कुतुब मीनार के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज मैं कुतुब मीनार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताता हूँ। देश का दिल दिल्ली अपने दिल में कई सारी प्राचीन यादों और धरोहरों को अब तक समेटे हुए है। इन्हीं धरोहरों में से एक है दिल्ली के मैरोली में स्थित कुतुब मीनार। यह भारत का सबसे ऊँचा मीनार है। यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। चलिए आज हम इस वैश्विक धरोहर की दिलचस्प बातें बताते हैं जिन पर शायद आपने ध्यान ना दिया हो। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में शुरू कराया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ साथ यह विश्व की भी ईंटों से निर्मित सबसे ऊंची इमारत है। यह भारत की सबसे ऊंची इमारत बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है बल्कि थोड़ी सी झुकी है, जिसका कारण है इस इमारत में कई बार मरम्मत का काम होना। इमारत के अंदर लगभग 389 सीढ़ियां हैं जो इमारत की ऊंचाई तक हैं। मीनार में कई अरबी और नागरी लिपि में शिलालेख हैं जो इसके इतिहास को बयान करते हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई मीनार, अली दरवाज़ा, लौ स्तंभ और इत्समिस का मकबरा स्थित है। फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान मीनार के दो शीश बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन फिरोज शाह द्वारा फिर से उनकी मरम्मत कराई गई। सन 1505 में मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई थी। कुतुब मीनार के परिसर में ही एक लोहे का खंभा है जिसमें अब तक 200 सालों के बाद भी जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण लाल बालू पत्थर से किया गया था जिसमें सुंदर शैलियों की नक्काशी और पवित्र कुरान के छंद उकेरे गए हैं। बस 1983 में कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के अलावा दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ये एक आकर्षण का स्मारक है। इस मीनार के नज़दीक कई और इमारतों का निर्माण कराया गया था, जैसे अलाई मीनार। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। माना जाता था कि वह कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनाना चाहते थे, किंतु खिलजी की मौत के बाद यह काम अधूरा ही रह गया। तो फ्रेंड, जब भी कभी आप दिल्ली आएँ तो कुतुब मीनार ज़रूर देखने आएँ और हमें कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूं। थैंक यू।